आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हो, तो वहीं पर आप देख सकते हैं अशोक गुप्ता की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले कि पीएचई डेली वेजर्स को समर्थन दे रहे हैं ये, और जिस तरीके से पीएचई डेली वेजर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि लेकिन उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई है, और उसी के चलते समर्थन अशोक गुप्ता की तरफ से समर्थन जो है आप देख सकते हैं अशोक गुप्ता की तरफ से समर्थन जो है वो दिया जा रहा है, और पीएचई डेली वेजर्स को समर्थन जो है वो अशोक गुप्ता की तरफ से दिया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, बाल्टियां लेके यहाँ पर आज सड़कों पर उतर आए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो। आप देख सकते हैं कि अशोक गुप्ता की तरफ से सड़कों पर उतर आए हैं और बाल्टियां लेके आज ये सड़कों पर उतर आए हैं और समर्थन दे रहे हैं पीएचई डेली वेजर्स को। और इनका यही कहना है कि पीएचई डेली वेजर्स की जो मांग है वो पूरी की जाए। सर, हड़ताली कर्मचारी पीएचई वाले कई दिनों से बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने का प्रयास नहीं करना चाहता है। क्या वो जम्मू के लोग नहीं हैं? क्या वो डोगरे नहीं हैं? क्या डोगरों की अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिल सकती है, डोगरों के महाराजा को सम्मान दिया जा सकता है एलजी के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, तो क्या हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत का रास्ता प्रारंभ नहीं हो सकता? अरे आप मुझे बताओ, 6,000-8,000 के अंदर तो आज बच्चों को स्कूल के अंदर कैसे पढ़ाना, रोजगारी कैसे चलानी, घर कैसे चलाना, और 8,000-9,000 से आज तो चूल्हा जलने का प्रयास नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। माननीय एलजी महोदय, डोगरों के राजा को सम्मान दिया आपने, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब डोगरे जो हड़ताल पर हैं सर, पीएचई के डेली वेजर, उनसे बात चाहिए, लेकिन रास्ता सुदृढ़ एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से। अरे 100 दिन, 90 दिन, 80 दिन कपड़े उतार दिए उन्होंने, त्यौहार मनाने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन कोई सुध लेने की बात नहीं करना चाहता है। एलजी साहब, आप जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो 8,000 रुपया लेता है, 7,000-6,000 रुपया लेता है, वो क्या घर बार का अपना खर्चा करने का प्रयास करा था, लेकिन सियासतदान ने पैसे खा करके उसको भर्ती कराने का प्रयास करा है, और भर्ती होने के बाद आज वो रिटायर होने वाला है, लेकिन आज फिर वो कच्चे का कच्चा यहाँ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर उनसे बातचीत प्रारंभ हो, और डेली वेजरों से भी कहना चाहता हूँ बीच वाला रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अगर डेली वेजर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बीच में पढ़ने को तैयार हूँ, अपना ऑफर दे रहा हूँ। मैं एलजी साहब से बातचीत करूँगा, मैं चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करूँगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका एक अच्छा चीफ इंजीनियर, उसके माध्यम से बातचीत प्रारंभ होनी चाहिए, और रास्ता निकाल करके इसको आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। डोगरों के राजा को आपने सम्मान दे दिया, अब डोगरों की बारी है, उनको सम्मान देने का प्रयास करें। आपका कोई प्रश्न है तो करो। बीजेपी की बात, जल्द से जल्द इनका भी जो है निपटान जो है वो किया जाएगा चुनावों में, अगर एक बार फिर बीजेपी जीतती है, क्या कहेंगे, सियासत है या वाकई में कुछ हो सकता है? उसका उत्तर बीजेपी से ले लो, 100 दिन हुआ बैठे हुए, जितने भी सियासतदान गहरी निद्रा के अंदर सोए हुए हैं, वो त्यौहार नहीं मनाते,
वो वहीं जिंदगी गुजारो। अगर कामयाब हुए तो कामयाब, फेल हुए तो फेल, लेकिन मेरे साथ रास्ता निकालने के लिए मुझे भी बीच में लगा। पीएचयू डेली वेजर वर्कर्स जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मुख्य चेहरा नहीं है, शायद ये भी हो सकता। मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा, लेकिन 6000 में गुजारा भी नहीं है। ऐसे कई डेली वेजर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर दिया पैसे की तंगी होने के कारण, उनके लिए क्या कुछ कहना? कोई एक डेली वेजर का नाम लीजिए जिसने सुसाइड करा है, बोलो नाम। कठुआ की बात करें तो कठुआ में भी एक व्यक्ति, ये कठुआ के मेरा प्रधान है, बोलो उसका नाम। काला कोट की बात करें, अरे आप कठुआ से काला कोट आ गई, आप कठुआ वाला नाम बोलो। भूल चुकी हूँ, लेकिन अगर आप भूल चुकी हैं कृपा करके ऐसा प्रश्न मत करिए जो देहांत हुआ है, क्योंकि ये सारा मीडिया आपको कवर कर रहा है। कोई नाम है तो बोलो, मैं उसको पैसे दिलवाने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या नाम है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार डेली वेजर अभी तक कोई मृत्यु की छैया पर नहीं लेटा है, और माता रानी करे ये नवरात्रे आने वाले हैं, उससे पहले उनका समाधान हो और मृत्यु पर छैया के लैंडमार्क प्रयास ना हो, मिल करके हम प्रयास करेंगे। लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि साफ तौर पर आप सुन चुके हैं और वहीं पर बात करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स, जिस तरीके इन्होंने कहा है कि डेली वेजर्स अगर लोग करेंगे तो हम एलजी से, अशोक गुप्ता ने कहा कि एलजी से बात करेंगे, और वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से हमने इनसे पूछा कि काला कोट में एक व्यक्ति थे जिनने सुसाइड कर दिया, मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाती हूँ। और वहीं पर जब हमने पीएचई डेली वेजर्स जाकर वहां पर बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि काला कोट के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया था पैसे की तंगी होने के कारण। वहीं पर कठुआ की बात करें तो कठुआ की भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने, जिनका हॉस्पिटल में वो बीमार थे, एडमिट थे, और पैसे की तंगी होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अभी तक इनके नज़र में वो चीज़ नहीं आई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखेगा, लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ये अलो करते हैं पीएचई डेली वेजर्स, अगर अलो करते हैं तो मैं एलजी मनोज सिन्हा से जाकर बात करूँगा। अब आपकी क्या राय है ज़रूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।